वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका सीतापुर जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे सीतापुर जंक्शन से आगे सीतापुर कचहरी और उसके बाद सराय नदी की दिशा में सीतापुर सिटी जंक्शन की दिशा में कितना कार्य अब तक हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में सुन रहे हैं कि नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाएंगे यहाँ पर। ये सीतापुर जंक्शन है, यहाँ पर भी जो ट्रैक्स हैं उनका विस्तार होगा। तो सीतापुर कचहरी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर केबल का जो काम है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े रोल्स जो ये होते हैं लकड़ी के, किस प्रकार के देखिए तार के बंडल जिस पर लपेटे जाते हैं केबल, यहाँ पर डालने का काम वो भी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की अगर हम बात करें डबलिंग में, जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं आप देख सकते हैं, अभी ट्रैक यहाँ पर नहीं बिछाया गया है लेकिन तार लगाने का काम OHE पर किया जा रहा है। एक प्रकार से रेलिंग्स लगा ली गई हैं ताकि कोई मवेशी या कोई भी व्यक्ति पैदल ट्रैक के पास इधर से उधर या तो क्रॉस ना करे या जो जानवर हैं बड़े, क्योंकि डबल लाइन के बाद रफ्तार बढ़ जाएगी ट्रेन्स की। तो यहाँ पर जो रेलिंग्स का काम है, देखिए किस प्रकार से मजबूत रेलिंग्स लगा दी गई हैं लोहे की, दूर तक एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं जैसे बैरिकेडिंग कर देते हैं ताकि कोई जानवर हो या कोई पैदल चलने वाला हो इंसान तो वो अंदर इधर ना जाए। और पीछे आएगा डबल ट्रैक वहाँ पर, तो तार लगाने का काम देखिए, अभी ट्रैक तो नहीं बिछा है यहाँ पर लेकिन तार को हुकअप किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तार लगाने का काम सीतापुर कचहरी पर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक झलक, यहीं से डबल लाइन पड़ेगी, रेल्स देखिए आ गई हैं ट्रैक के ठीक बराबर में, आगे नपाई भी हो रही है, मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं और यहाँ पर रेल्स उतार करके रख दी गई हैं। सूरज एकदम सर के ऊपर है, इधर अभी कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाने का काम शुरू होगा और पीछे जंक्शन पर भी काम चल ही रहा है तेज़ रफ्तार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वायरिंग का काम ऊपर OHE का यहाँ पर किया जा रहा है। सीतापुर कचहरी है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉल्ट, और सीतापुर जंक्शन से जब आप सिटी जंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सीतापुर कचहरी पड़ता है। तो यहाँ पर तार लगाने का काम किया जा रहा है, अब वायरिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, कंक्रीट के स्लीपर्स भी यहाँ पर ढेर हैं पीछे, अभी इनको उठा करके यहाँ पर डबल लाइन में डाला जाएगा, रखा जाएगा वहाँ पर और उसके बाद फिर ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। तो काम तेज़ी से चल रहा है, तार लग रहा है, कॉपर का चमक रहा है देखिए, तो वायरिंग का काम शुरू हो गया यहाँ पर OHE का सीतापुर कचहरी साइड, और रेलिंग पूरी लंबी लगा दी गई है ताकि कोई मवेशी ना जाए। ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि कर्व है और मोड़ के ऊपर तेज़ रफ्तार में जब ट्रेन आएगी तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। तो ट्रैक के किनारे देखिए ऊंची मजबूत रेलिंग पूरी लगा दी गई है यहाँ पर सीतापुर कचहरी में, और दूसरे साइड अभी लगाई जाएगी। एक तरफ की रेलिंग आप देख सकते हैं ये लगी है और दूसरी तरफ अभी रेलिंग्स लगाई जाएंगी वहाँ पर, जहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स दिख रहे हैं आपको, डबल लाइन होगी तो पीछे वहाँ पर भी आगे तक जो है वो रेलिंग वो दी जाएगी। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य देखिए किस प्रकार से तेज़ गति से किए जा रहे हैं सराय नदी की दिशा में सिटी जंक्शन की दिशा में। तो OHE के कार्यों में अब गति आ गई है, और पूर्व का जब हमने वीडियो किया था
तो ब्रैकेट्स लग गए थे, मास्ट इरेक्ट हो गए थे यहाँ पर, कंक्रीट के स्लीपर्स बिछा लिए गए, लेकिन तार लगाने का जो काम है, वायरिंग का काम, ये नहीं हुआ था। नज़दीक से भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से जो नया डबल लाइन अब हमारी यहाँ से चलेगी, पुरानी वाली लाइन जो है, पुराना पुल, वो डिसमेंटल हो जाएगा, उधर वो लाइन शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर दोनों ही ट्रैक रेल्स नई बिछाई जाएंगी, नया ट्रैक दोनों यहाँ पर पड़ेंगे इस साइड में। तो यहाँ पर जो पूरी ओएचई है हमारी, वो शिफ्टिंग भी होगी और पूरा नया सेटअप यहाँ पर जो किया गया है उसमें आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, छोटी वाली पिकअप खड़ी है यहाँ पर, और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को तेज़ी से यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से वायरिंग चल रही है। कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं नीचे पड़े हुए हैं, वो अभी बाद में यहाँ पर रखे जाएंगे, क्योंकि अगर स्लीपर्स बीच में आ जाएंगे तो फिर ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियाँ ऊपर तक जा रही हैं अभी वहाँ तक, फिर वो नहीं उधर अप्रोच कर पाएंगी। इस वजह से अभी बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया है ताकि गाड़ियाँ जा सके सामान लेकर के, जो भी सामान आता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो वहाँ तक साइट तक पहुँचने के लिए अभी गैप दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य जो है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये बहुत एक सुखद विजुअल्स हैं, बहुत खुशी देने वाले कि जल्द से जल्द ये कार्य अब पूरे हो जाएंगे। पूरी कोशिश हो रही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इन कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि फिर सीतापुर जंक्शन से सिटी जंक्शन के बीच डबल लाइन तैयार हो जाए और आगे का सेक्शन तो पूरा डबल लाइन है ही रोजा की दिशा में, ताकि रेलगाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ गति से यहाँ से चल सकें और साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन से भी कुछ और ट्रेन शुरू की जा सकें सीतापुर जंक्शन के रास्ते बरेली के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कॉपर के रोल्स और सामने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान जो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि जो नई हमारे अलाइनमेंट आएगा मास्ट, उसमें यहाँ पर हो रही है सारी वायरिंग। तो ट्रैक बांधने की शुरुआत, रेल्स बिछाने की, जो कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाए गए देखिए उसकी शुरुआत हो गई है। जो ट्रैक हमारा सीतापुर सिटी जंक्शन से, जिससे ट्रेन हमारे सीतापुर जंक्शन की दिशा में जाएंगी, जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं, आगे सराय नदी है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो। तो 19 तारीख को यहाँ पर ये जो ट्रैक बांधने का काम है, ये आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक जो है वो अपनी शक्ल ले रहा है, क्योंकि कर्व है, पेंड्रोल क्लिप्स आप देख सकते हैं लगा ली गई हैं, ये रबर के पैड्स हैं जो पेंड्रोल क्लिप्स के बीच में रखे जाते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर ये पटरी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक देखिए पूरा घूमता हुआ आगे सराय नदी के पुल तक जा रहा है। अभी एक ट्रैक हमारा यहाँ पर बिछाया गया है, एक साइड में रेल्स बांध करके ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, और बाएं हाथ वाला भी जो है ये बाकी है काम, तो काम तेज़ी से चल रहा है फिलहाल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीतापुर जंक्शन, उसके बाद कचहरी, सीतापुर कचहरी, उसके बाद फिर सराय नदी का पुल आएगा, फिर सीतापुर सिटी जंक्शन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक, और ऊपर आप देख सकते हैं जो ओएचई के कार्य हो रहे हैं तेज़ी के साथ, तार को अभी हुकअप किया गया है, फाइनल किया जाएगा यहाँ पर। और दूसरी तरफ अभी ट्रैक बिछाया जाना बाकी है, हालांकि ओएचई के काम चल रहे हैं यहाँ पर निरंतर, वो कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द जो ओएचई का काम है उसको हम लोग पूरा कर लें। यहाँ पर ये कोशिश कर रही है रेलवे कि एनईआर साइड हमारे लखनऊ मंडल में, और ट्रैक अभी यहाँ तक जा कर के देखिए इस तरह से ख़त्म हो जा रहा है, आगे भी ओएचई का काम चल रहा है, इधर सीतापुर कचहरी की दिशा हो जाएगी जिस तरफ से हमने शुरुआत की,
और पूरा कर्व है, दूर तक स्लीपर्स रखे हुए हैं। बाद में जो पुरानी वाली उधर हमारी लाइन जा रही है ट्रैक और OHE, उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर यही डबल लाइन हो जाएगी और तेज़ गति से ट्रेन्स इस पर निकलेंगी। तो यहाँ तक रेल्स, जो पटरियाँ हमने आपको दिखाई थी सीतापुर जंक्शन पहुँची, उनको देखिए वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक ट्रैक बांधने का काम शुरू हो गया है और यहाँ तक ट्रैक बिछ गया है सराय नदी के साइड से अभी एक साइड। अब आगे पड़ेगा ट्रैक, वहाँ तक मोड़ तक जाएगा और फिर इस वाले कंक्रीट के जो स्लीपर्स इधर के रखे हैं इस पे ट्रैक बिछाया जाएगा यहाँ पर, जिसके बाद फिर जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा तब ट्रैक की जो कटिंग है, क्योंकि ट्रैक को काटना पड़ेगा, वो ट्रैक हमारा इसमें मिल जाएगा, एक नया ट्रैक जाएगा राइट हैंड साइड से, जो नया ट्रैक आएगा वो यहाँ पर मिलेगा और ये जो ट्रैक अभी मौजूदा है वो हमारा फिर जो ये ट्रैक है इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ डबलिंग जो है तैयार होगी यहाँ पर डबल लाइन सराय नदी की दिशा से। लेबर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और नवंबर तक हर हाल में कह रहे हैं कि इतना जो सेक्शन है हमारा ये पूरा हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब इसका CCRS निरीक्षण करा लिया जाएगा। तो देखना होगा कि नवंबर तक कितना काम हो पाता है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य तो काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, पूर्व में जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ सराय नदी के बाद 2-3 मास्ट तक तार लेकर के छोड़ दिया था लगा करके वहाँ पर, क्योंकि NR ने अपनी साइट मुरादाबाद मंडल के अंदर अपना कार्य पूरा कर लिया था रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो तार वहाँ पर ला करके छोड़ दिया था। अब आगे का जो काम है वो हमारे NER जोन में होना है, लखनऊ मंडल में, तो कार्य फिलहाल तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ पर तार को कसा जा रहा है, खींचा जा रहा है, धूप काफ़ी तेज़ है इस समय। तो थोड़ा और नज़दीक से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जो ट्रैक है किस प्रकार से कर्व करके सामने पुल पर जा कर के मिलेगा सराय नदी के। हालांकि जो ब्रिज है उस पर भी काम होना बाकी है वहाँ पर, और बाकी आप देख सकते हैं जो OHE का काम है यहाँ पर वो किस प्रकार से चल रहा है। इधर आगे फाइनल कर लिया गया है पुल के पास, लेकिन अभी पीछे सीतापुर जंक्शन और कचहरी की दिशा में वायरिंग जो है वो अभी तार लगाया जा रहा है मास्ट के ऊपर, बाद में फाइनल किया जाएगा। तो ये अब हम लोग पहुंच गए देखिए सराय नदी के पुल पर, और यहाँ से फिर आप देखिए ट्रैक, इधर ट्रैक यहाँ से शुरू किया गया है बिछाना और आगे मोड़ से होते हुए ट्रैक देखिए जा रहा है सीतापुर कचहरी की दिशा में, यहाँ तक ट्रैक बिछ गया है। इधर अब ट्रैक अभी बंधना शुरू होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए चीज़ें हैं। और ये हमारा सराय नदी का पुल आ गया आगे, तो पुल की तैयारी आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ब्रिज में साइड में यहाँ पर इस पुल से आप नॉर्दर्न रेलवे में जा सकते हैं मुरादाबाद मंडल में, यानी सिटी जंक्शन की दिशा में। तो ये पुल छोटा सा पैदल पुल जो होता है जिससे कि हमारे ट्रैक मैन गैंग मैन सब जा सकते हैं, वो बना दिए गए हैं दोनों तरफ, और अभी अंदर के ब्लॉक्स लगाए जाने बाकी हैं जिसके ऊपर ट्रैक बैठाया जाएगा फिर। और इधर पुराने वाले पुल से देखिए जा रही है मालगाड़ी धीमी धीमी रफ्तार में, तो पुराने ट्रैक पर स्पीड बहुत हल्की है, इस कारण से अब ये जो नया ट्रैक बन जाएगा यहाँ पर डबल लाइन, तो तेज़ गति से फिर ट्रेन्स निकल सकेंगी। तो ये पूरा हम पहुँच गए हैं सराय नदी तक, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, इधर भी ऐसे ही एक साइड में ब्रिज दिया गया है सुरक्षा के लिए, जो हमारे रेलवे का स्टाफ है जो ट्रैक्स को चेक करता है चलता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कभी कोई तेज़ गति की रेलगाड़ी आ गई तो पुल को पार करने के लिए यहाँ पर
बनाया गया है। चलिए अनार साइड चलते हैं, वहाँ का भी देखते हैं एक झलक। तो अब हम खड़े हुए हैं मुरादाबाद मंडल में नॉर्दर्न रेलवे के और पुराने पुल से मालगाड़ी निकल रही है जो कि फ़िलहाल अभी रुक गई है सिग्नल ना होने के कारण। और सामने यहाँ सराय नदी के पुल तक एनआर साइड ने नॉर्दर्न रेलवे की साइड में मतलब जो काम है देखिए पूरा हो गया है। ट्रैक पुल तक पहुँच गए हैं दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा एनआर की तरफ है देखिए ट्रैक वर्क सिग्नल हो गया, पुरानी रेल्स हटा दी गई हैं दोनों तरफ से और नई रेल्स यहाँ पर लग गई होंगी जो भी है, मगर काम आप देख सकते हैं यहाँ का एनआर का काम ट्रैक वर्क पूरा हो गया है। दोहरीकरण में सीतापुर सिटी जंक्शन और सीतापुर जंक्शन के बीच की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं बैलास्ट जो है बैलास्ट ऊपर तक भर गया है और गुड्स ट्रेन चल दी है फिलहाल, सिग्नल हो गया उसका। तो ये है हमारे एनआर साइड से हाल। आगे ट्रैक लेफ्ट हैंड वाला जो है वो आगे कर्व पे थोड़ा ट्रैक बिछा लिया है एनआर ने, राइट हैंड साइड वाला ट्रैक अभी बाकी है। तो रफ्तार आप देखिए कितनी धीमी है और जब नए पुल से ट्रेन गुजरेगी तो रफ्तार इससे कहीं अधिक होगी। तो सिटी जंक्शन जाते हुए मालगाड़ी का भी व्यू एक छोटा सा साथ में। इधर ट्रैक वर्क कंप्लीट है, अब हमारे एनआर में लखनऊ मंडल में कार्य होने बाकी हैं। तो ये सीतापुर जंक्शन सिटी जंक्शन के बीच जो दोहरीकरण चल रहा है उस पर एक ताज़ा सूरत हाल उसका क्या है आपको हमने दिखाने की कोशिश की।